सिवनी जिले से होकर जाने वाले नेशनल हाईवे 44 फोर लाइन मध्य प्रदेश जबलपुर और नरसिंहपुर से होकर जाने वाले नेशनल हाईवे 44 फोर लाइन पर जो महाराष्ट्र प्रदेश के महानगर नागपुर तक नवनिर्मित बनाई गई है, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय और केंद्र के सड़क और परिवहन केंद्रीय मंत्री एवं प्रदेश मंत्री के आदेश के चलते संपूर्ण मार्गों पर यहाँ तक कि अंधे मोड़ होते हैं वहाँ पर भी गति अवरोधक के अभाव में वाहनों के चालक अपने वाहनों की रफ्तार बेहिसाब तरीके से चलाते हैं। हालांकि यह प्रश्न अलग है कि वाहन चालक नेशनल हाईवे 44 में रोड टैक्स और टोल टैक्स का भुगतान बकायदा करते हैं। यह सुख सुविधा मुहैया कराने के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश पारित कर संपूर्ण 44 में बनाए गए गति अवरोधकों को सड़क प्राधिकरण के कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा लगभग 1 करोड़ की राशि की लागत से गति दुरुस्त करने जैसे कार्य को हटाकर फिर उस स्थान में सड़क का समतलीकरण किया है। ये सब्जेक्ट अलग है, किंतु आवेदन गति अवरोधक ना होने की वजह से नरसिंहपुर जबलपुर से लेकर सिवनी जिले से होकर जाने वाले नागपुर महाराष्ट्र को जाने वाले नेशनल हाईवे 44 में प्रतिदिन 2 या 4 अकाल मौतें दुर्घटनाग्रस्त वाहनों के चलते निरंतर हो रही है। राजधानी तक के लिए सिवनी से राजेश शिवहरे की रिपोर्ट।